कांग्रेसी भाई भी हैं जिनका अभी तक संगठन नहीं बना है, ये लोग किस चीज पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जनता अब इस गवर्नमेंट से सहमत नहीं है। तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, तो सवाल ही नहीं होता है कांग्रेस कहाँ है, सपा कहाँ है और दल कहाँ है। देखिए, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस बार उपचुनाव में बेहतर रिजल्ट देने के लिए तैयार है। क्यों है बेकरार, फिर जीतेगी योगी मोदी की जोड़ी की सरकार। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव के 10 में से 9 सीटों का ऐलान कर दिया है और अब जो है 13 नवंबर को मतदान होगा यूपी की 9 सीटों पर। ऐसे में एक सीट जो है वो मिल्कीपुर की अभी घोषणा नहीं हुई है, वो जो कोर्ट में मामला लंबी चल रहा है उसको लेकर। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है और अभी जो है पूरी तरीके से मायावती ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अब वो चुनाव जो है वो अकेले दम पर लड़ेंगी, ये सबसे बड़ी त्रिकोणीय फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है। अब आजाद समाज पार्टी भी यहाँ जो है उपचुनाव में हथकंडे अपनाने की कोशिश करेगी। तमाम लोग हैं गोरखपुर में, हम मौजूद हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के जो उपचुनाव होंगे उसमें किसकी जीत और किसकी हार होगी, क्या कुछ मेन फैक्टर रहने वाले हैं और क्या कुछ सरकार की नीतियों में कमी जो है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग सरकार पर थोप पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं। चश्मा लगा के भाई साहब, क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? दीपक पांडे। दीपक पांडे जी, एक बात बताइए कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो रही हैं? अब आप सम्मानित मीडिया के लोग हैं, आपसे बढ़िया तो कोई नहीं बता सकता है। पहली बात तो पहले तो धन्यवाद है आपको। तो मेरा गणित ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर हम सहयोगियों को ज्यादा सीट दे देंगे तो इस बार उपचुनाव जो है हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए 9 सीटों पर खुद ही लड़ रही है चुनाव। सहयोगी आप बता दीजिए, आप सम्मानित मीडिया के बंधु हैं, सहयोगी कब किसके साथ खड़े उतरे हैं और कब नहीं उतरे हैं, दोनों बातें हैं। देखिए, संजय निषाद आपके साथ थे अब भी हैं, अब भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ऐलान कर दिए थे कि 2 सीट पे हम लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, मेरा और किसी पार्टी के पदाधिकारी के छोटे कार्यकर्ताओं का ये काम नहीं होता है। रह गई बात हार जीत की, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन कोई चुनाव जीतती या हारती है उसी दिन से मंथन करना शुरू करती है कि हमारे पार्टी के लोगों के द्वारा क्या कमियां रह गई और क्यों हम चुनाव में, चाहे हमारे साथ परिणाम अच्छा हुआ हो और चाहे बुरा हुआ हो, लेकिन हमारे साथ कुछ कांग्रेसी भाई भी हैं जिनका अभी तक संगठन नहीं बना है, ये लोग किस चीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप गोरखपुर में ही देख लीजिए, आपका संगठन नहीं है और चुनाव हर चुनाव लड़ेंगे, तो ये पहले स्पष्ट भूमिका पहले कांग्रेस भाइयों से। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये उठता है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की, जो हरियाणा का चुनाव था वो बिल्कुल विपरीत हो गया उससे। देखिए, जो लोकसभा का चुनाव है हुआ, उस लोकसभा के चुनाव के परिणाम ये सिर्फ दिखाई नहीं दिए, विपरीत आए भी, क्योंकि जनता अब इस गवर्नमेंट से सहमत नहीं है। इसी नाते लोकसभा के चुनाव में इनको ये पूर्ण बहुमत की सरकार तक नहीं पहुंच पाए। हरियाणा में तो गलत हो गया ना, बता रहे हैं वहीं आ रहे हैं। तो लोकसभा के चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि अपने संसाधन और अपने सत्ता के दम पर ये फिर दोबारा चेयरमैन बन गए हैं। हरियाणा के चुनाव में आप बताइए, एक मेयर के चुनाव में अगर 6-6 वोट की धांधली हो सकती है, तो जहां पूरी एकदम लोकसभा से लेके और विधानसभा की सारी शक्तियां और चुनाव आयोग तक एकदम वहां मार्गदर्शक बना हुआ है, सीधे ये दिखाया गया है कि वो स्पेशल वोटिंग मशीनें ही थी जम्मू में जो इंडिया गठबंधन का सरकार बना, जब मशीनें ठीक हो जाती। देखिए, जम्मू कश्मीर की जहाँ तक, वहाँ अगर नियम सही चुनाव हुए, जनता का वोट सही पोल हुआ और सही लोकतांत्रिक तरीके से वोट की गिनती हुई, तो बीजेपी वहाँ अच्छा प्रदर्शन की है। देखिए, हम अपनी बातों को अच्छे से रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं बात को बिगाड़ने की कोशिश होती है, क्योंकि लगातार सांप्रदायिकता फैला रही है अपनी ताकत को, लेकिन अभी जनता में बहुत बहुत धैर्य है, जनता भी बहुत बचा रही है। अच्छा, ठीक है।
एक छोटा सा सवाल, समाजवादी पार्टी कुछ स्पष्ट करेगी सीट शेयरिंग को लेकर आगे, जिस तरीके से बात कांग्रेस के साथ अभी बनी नहीं है महाराष्ट्र में? अगर ये कहें कि समाजवादी पार्टी अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी महाराष्ट्र में, तभी जो है यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस को सीट मिलेगी। देखिए, इस देश में दो ही दल हैं, एक है इंडिया गठबंधन, एक है एनडीए गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन चल रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 9 तारीख को कहा है लखनऊ में, जब लोगों ने पूछा वहाँ का रिजल्ट आ जाने के बाद, हरियाणा का रिजल्ट आ जाने के बाद पूछा, तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। तो सवाल ही नहीं होता है कांग्रेस कहाँ है, सपा कहाँ है और दल कहाँ है। इंडिया बनाम एनडीए ये चुनाव हो रहा है। तो सीट कितना क्या कुछ स्पष्ट नहीं, अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय कर लेंगे कितनी सीटें किसको कहाँ दी जा सकती हैं। जहाँ जो भारी रहेगा वहाँ लड़ेगा। अच्छा मायावती, जिस तरीके से ग्राफ गिरता जा रहा है बसपा का, कुछ लग रहा है आपको कि इस बार उपचुनाव में, चूंकि अब परहेज हमेशा से करती रही है, इस बार के उपचुनाव में आजमाना चाहती है खुद को, लगता है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक बहन जी का सवाल है, बहन जी हमारे साथ 19 में गठबंधन करके लड़ी चुनाव, 14 में नहीं लड़ी थी तो 0 रह गई थी, 19 में लड़ी गठबंधन में 0 से 10 पहुंच गई, और 22 और 24 का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान किया, रिजल्ट आपके सामने है। तो उनका कोई मतलब नहीं है, जनाधार उनका गिरता चला जा रहा है, वो अकेले लड़े, गठबंधन कोई करने को तैयार भी नहीं उनसे। उनसे किसने कहा कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं? उनका खुद बयान आया कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि महाराष्ट्र में, और अच्छा, बहुजन समाज पार्टी, अच्छा बहुजन समाज पार्टी अगर चाहेगी कि इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाए तो इंडिया गठबंधन नहीं, ना ना ना, सवाल ही नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन बना हुआ है, अब बहन जी तो अलग है, वो थर्ड फ्रंट से बाहर है। बसपा अगर चाहेगी भी कि इंडिया गठबंधन में जाए तब भी नहीं इंडिया गठबंधन, हम क्यों ले उनको, उनका कोई मतलब ही नहीं है ना, उनका कोई मतलब ही नहीं हमारे साथ रह के। वो देख ली है बेवजह गठबंधन तोड़ती है, अपने फायदे मोदी गठबंधन तोड़ती है। तो इंडिया गठबंधन जितना है उतना खुद ही मजबूत है, मौका परस्त लोग इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 9 सीटों, 10 में से 10 सीटों को जो है हम जीतेंगे इस बार। अगर 10 जीतने की कुवत होती तो मिल्खीपुर का वो चुनाव घोषित करा दिए होते। तो मिल्खीपुर का चुनाव तो हाईकोर्ट में लंबित है, अच्छा सर हाईकोर्ट में लंबित है, जिस बाबा गोरखनाथ ने उसमें रिट दाखिल किया था, वो ऑन कैमरा खुद बोले हम 2 दिन में हटा लेंगे, और वो रिट दाखिल इसीलिए किए थे ना कि वो देश प्रसाद जी जो चुनाव जीते हैं वो गलत है। तो 4 जून को रिजल्ट इसलिए दाखिल नहीं किया थी, वो जो वकील थे जो हलफनामा पेश किए थे वो उनकी जो सदस्यता, उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, अब तो जब अवधेश जी जब इस्तीफा दे दिए, सीट ऑलरेडी खाली हो गई, तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता दिखाते हुए वहां भी घोषित कर देना चाहिए। लेकिन सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, इन्हें डर है, ये अयोध्या की हार को पचा नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं जब ये 9 खत्म हो जाएगा तब पूरी तैयारी करके पूरे तंत्र मंत्र के साथ हम वहां लड़ेंगे। लेकिन तब भी रिजल्ट जो अयोध्या में आया है वही रिजल्ट मिल्खीपुर में भी आएगा। इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से, सब कुछ ठीक चल रहा है इंडिया गठबंधन में? एकदम बढ़िया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इस बार उपचुनाव में बेहतर रिजल्ट देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी अपना अच्छे से पूरा रखते हुए और सीट निकालेंगे। जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्यों है बेकरार, फिर जीतेगी योगी मोदी की सरकार। एक बार और जरा, क्यों है बेकरार, फिर जीतेगी योगी मोदी की जोड़ी की सरकार। 64 से 33 पर आ गए, देखिए महीना बदला है, मुद्दे नहीं बदले हैं, जिन मुद्दों पे जनता ने 24 में वोट किया था आज भी वही मुद्दे जीवित है। तो महीने बदले, मुद्दे नहीं बदले हैं, वो कह रहे हैं कि फिर मोदी खटाखट अब नहीं चलेगा, एक बार झूठ बोल जा सकता है में चले भी तो भी गई, 15 लाख जैसे नहीं चला, 2 करोड़ का जुमला नहीं चला, चलेगा इस बार तो चला ना 24 में, कहाँ चला। यही घमंड इनका लिए डूबा, यही घमंड अहंकार से कहते थे ये लोग कि 400 पार रटते रहे पट्टू की तरह, लेकिन ये लोग हारे यूपी में बुरी तरह। 22 में तो अखिलेश भी कह रहे थे 403 में से 400 आ जाएगा, 22 में अखिलेश जी कई सीटें हारे, धोखाबाजी उनको दिया गया, इनकी सरकार इनकी व्यवस्था जो है कि चीजें ऐसी चलेंगी, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देंगे, आरोप हो जाएगा। देखिए आरोप तब तक हम जब तक ईवीएम हट नहीं जाएगा, हम 80 जीत जाएंगे तब भी कहेंगे ईवीएम गड़बड़ है, हम कैसे रोकेंगे सरकार। अखिलेश जी ने कहा था ना कि हम ईवीएम से जीत करके ईवीएम को हटाएंगे, हम ईवीएम को जीत करके ईवीएम को हटाएंगे। अगर सवाल है, हमारे कहने का मतलब ये है जब चुनाव में इतना बेहतर रिजल्ट समाजवादी पार्टी को मिला लोकसभा चुनाव में, तब भी अखिलेश यादव यही बोले थे कि अभी भी जो है हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है ना, अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं तो उसका हमारा स्टैंड क्लियर है, हम ईवीएम से जीतने के बाद भी ईवीएम को
आता है, मीडिया फैलाते हैं सब, नैरेटिव फैलाते हैं लोग, नैरेटिव फैल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के सम्मानित भाइयों से, हिंदुस्तान पेपर आज पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आपस में सहमत ही नहीं बन पा रही है। इंडिया गठबंधन आज एक साथ है, एक साथ रहेगा, इसका रिजल्ट आप जो चुनाव हो रहा उपचुनाव उसमें आपको देखने को मिलेगा। 100% चुनाव जीतेंगे अयोध्या में भी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन हर जगह है, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा चुनाव। मोदी सरकार, मोदी सरकार, जानकारी ही नहीं है कांग्रेस के भाई को कि चुनाव अयोध्या का हो रहा है कि मिल्कीपुर का हो रहा है। और वही चुनाव आप परेशान हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर में एक अपराधी आज भी हॉस्पिटल चला रहा है और इनकी गुंडी भरी सरकार अभी तक चुपचाप बैठी हुई है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। और एक जवान जो देश के लिए शहीद होता है उसको इनकी सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। जिन लोगों को नहीं पता हो वो ये प्रकरण बता दूं, क्योंकि इस चैनल पे पहली बार मैं ये बता रहा हूं कि अनुज सरकारी और पंकज कुमार सिपाही, और पंकज कुमार जो है अनुज सरकारी के ऊपर हथौड़े से वार कर देता है, और उसके पहले पंकज कुमार के साथ जो अनुज सरकारी के कुछ तथा कथित गुंडे हैं, जिनको ये कह सकते हैं कि उनके जो बॉडीगार्ड हैं, वो जो है सिपाही को मारे और उसका वीडियो भी वायरल हुआ। अब ये प्रकरण जो है बेहद तेजी से गोरखपुर में वायरल हो रहा है और उस पे ये भाई साहब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि योगी सरकार के रहते हुए गोरखपुर में जो है डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। शायद इन भाई को पता नहीं है, उत्तर प्रदेश के ही बहराइच जिले में एक ब्राह्मण बच्चे की हत्या होती है तो ये समाजवादी कांग्रेसी कहां सो जाते हैं? उस समय इनको ब्राह्मण हितैषी नहीं दिखाई देती है। एक सिपाही के साथ, एक डॉक्टर के साथ विवाद हुआ। देखिए, इन्होंने कहा हत्या हो जाती, सबसे पहले कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उस बच्चे से मिलने गया था, वो ऐसा संभव जो मदद हो सकती है कांग्रेस पार्टी ने किया। अब क्या बात करते हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साइलेंट हो जाती है? ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, ये सभी लोग पूरे देश में आपसी सौहार्द बनाने और कायम करने की बात करते हैं। सवाल है कि दंगा क्यों हुआ? 7.5 साल योगी जी इस बात का दम भरते रहे कि हमारा शासन ऐसा है, दंगा नहीं हो सकता है, दंगा क्यों हुआ? सवाल ये है, दंगे के पीछे का राजनीति है, मूर्ति विसर्जन में होता है। अरे सर, मैं बताऊंगा, साजिश, लोगों को सत्ता नहीं मिल रहा है, सब कराए साजिश, इसीलिए पार्टी वाले कराए। और कौन करा रहा है? चौथा दंगा समाजवादी पार्टी के पोषित लोगों की सोची समझी चल। उत्तर प्रदेश सरकार माफिया हो चाहे मच्छरों से छोड़ने वाली नहीं है, समाजवादी पार्टी की गुंडा इनके गुंडे सरकार में है, जिनके पर गंभीर मुकदमे शपथ ले रहे हैं वो सरकार में है। गुंडा समाजवादी भाई बताइए, डॉक्टर को बाउंसर सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? डॉक्टर भगवान का रूप होता है, नहीं हो रहा है। कहाँ डॉक्टर खुलेआम चार गनल लेके अपने आप हॉस्पिटल पे बैठ रहा है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई साथी बढ़िया बढ़िया से पक्ष रख रहे थे। देखिए, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पूरे प्रदेश में शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। तो नहीं है कहीं, कहाँ है? अगर ये सांप्रदायिक दंगे की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ उनकी प्रशासन पुलिस अगर टाइट होती, अगर उसकी निगरानी होती, तो ये बवाल नहीं होता। यह प्रशासन की देखरेख में ये बवाल हुआ है। अगर प्रशासन वहाँ चेतता, इनकी एजेंसियां अगर सतर्क होती, तो ऐसा मामला कैसे हो जाता? आप कहते हो कि पूरे उत्तर प्रदेश के सारे माफिया प्रदेश छोड़कर चले गए, वो कौन माफिया आया था जिसने वहां माहौल खराब करने का काम किया? हमारे साथी कह रहे थे अभी इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस का कह रहा है, समाजवादी पार्टी में क्या अभी चल रहा है। अरे पहले आप देखिए एनडीए में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एनडीए में, क्या गलत हो रहा है? अरे
निषाद जी उधर मुंह फुलाए बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। राजभर जी उधर प्रधान है, वो अलग चिंता में। तो चाहिए ही नहीं था, वो तो कभी नहीं माने। अरे उपचुनाव में उन्होंने एक बार से दिखा, तूने सुनिए, पूरे चुनाव में अनुप्रिया पटेल जी हो, राजभर जी हो, संजय निषाद जी हो, सबको दुख है, लेकिन ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पिछड़ों और दलितों जो पीड़िए के लोग हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो भी हमारे घटक दल हैं, सबको पार्टी ने सम्मान दिया है। आप चुनाव में देख लीजिए, उसका रिजल्ट मिला है। जनता देखिए हृदय में बसा चुकी है, मौके की तलाश है। अगर मशीनरी तकनीक इनकी सही हो जाए, अगर ये उपयोग करना बंद कर दे, तो निश्चित तौर पर ये एक सीट नहीं जीत सकते। एक आखिरी सवाल, ये सवाल है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार बात होती है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बात क्यों नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब राजभर को सीट नहीं मिलता है, जब संजय निषाद को सीट नहीं मिलता है, जब अनुप्रिया पटेल को सीट नहीं मिलता है, तब सवाल उठना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस को सीट नहीं मिली तब सवाल उठ जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये सबके साथ यही समाजवादी और कांग्रेसी नहीं है तो 9 सीट पे। अरे आप बताइए ना, अभी आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर, हाँ, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। संजय निषाद के बारे में आपने कहा है, बताइए ना, देखिए हम सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ चलते हैं, ये लोग केवल परिवार के साथ चलने का। महाराष्ट्र और झारखंड भी जीतेंगे, महाराष्ट्र और झारखंड भी जीतेंगे। तो यहाँ पे गोरखपुर में मौजूद थे और तमाम लोग थे जो अपना अपना पक्ष रखे। और मेन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर चाहे इंडिया ब्लॉक की बात हो और चाहे फिर एनडीए की बात हो, जिस तरीके से सामने आया है उसमें भाजपा ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एक सीट जो है आरएलडी के खाते में गई है, लेकिन यह सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि 4 सीटों पर क्या कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने वाली है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उपचुनाव बेहद ही रोचक स्थिति में अब पहुंच चुका है। यूपी के साथ मैं आपके साथ देखे से यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।